नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस व सरकार पर टिप्पणी करने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत के समर्थन में उतरकर डीएवी के छात्र नेताओं ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का पुतला दहन किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आक्रोशित छात्रों ने महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। महाराष्ट्र सरकार के राज्य में कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़े जाने की घटना को उन्होंने निंदनीय बताया और कंगना रनौत के लिए इंसाफ की मांग की। महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं इस मामले को शुरू से दबाने का काम कर रही है और जैसे कि पूर्व में भी आपको पता है इस प्रकरण के बारे में कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार की वार्ता डिबेट मीडिया में हुई है और इसको जैसे अगर कोई वहां पर उस विषय को खुलकर बोलने का प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं सरकार उस पर दबाव बनाने का काम कर रही है, उसे दबाने का काम कर रही है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पिछले लंबे समय से कंगना रनौत और शिवसेना के बीच में एक सुशांत राजपूत को लेकर जो एक प्रकरण इन लोगों के बीच में चल रहा है। लंबे समय से एक जो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कंगना रनौत कहीं ना कहीं उसका पर्दाफाश करने का काम कर रही है, जिस प्रकार से वहाँ पर इन प्रकार के कामों को अंजाम दिया जाता है, इन्हीं कामों के खिलाफ कंगना रनौत ने आवाज़ उठाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों का तालमेल आप लोगों को पता ही है, वो शिवसेना के साथ उन लोगों का तालमेल कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है और अभी कुछ चीज़ें पुष्ट नहीं हुई है, उसकी पुष्टि नहीं की गई है, परंतु अपनी बात कहने का अधिकार सबको इस भारत में है और उसने अपनी बात रखने का काम किया और इस प्रकार से सरकार का जोर चलाकर जिस प्रकार उन लोगों ने उनके दफ्तर को तोड़ने का काम किया गया कहीं ना कहीं ये बहुत बर्बरता का कार्य किया है और इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि यदि कोई किसी प्रकार की टिप्पणी किसी पे करता है तो इस प्रकार ये नहीं कि आप उसका घर या उसका ऑफिस तोड़ने का काम करेंगे, सरकार को अपनी क्रूरता दिखाने का काम करेंगे, सत्ता में होने का अपना जो पावरफुल अपनी सत्ता दिखाने का काम करेंगे। ये बिल्कुल निंदनीय घटना है और ऐसी घटना को हम लोग उसका समर्थन नहीं करते हैं। महाराष्ट्र सरकार को इस पर सोचना चाहिए और ये निर्णय बहुत गलत इन लोगों ने लिया है और सभी इस डीएवी महाविद्यालय की तरफ से यहाँ पे सभी छात्र संघ के पदाधिकारियों की तरफ से हम लोगों ने इस पुतले दहन का कार्यक्रम किया और कहीं ना कहीं हमने बेटी जो भारत की बेटी है उसका साथ देने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और हम सभी लोग उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे, किसी भी बेटी को अकेला नहीं पढ़ने देंगे, उसके संघर्ष को अकेला नहीं होने देंगे। सर, क्या लगता है इस मामले